हेलो एवरीवन, आज हम रेजोनेंस के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। जब ड्राइविंग सोर्स फ्रीक्वेंसी एंड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपके सिस्टम की जो रहती है यदि वो बराबर हो जाती है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रेजोनेंस की कंडीशन। रेजोनेंस किसी भी सिस्टम में होता है जब उस सिस्टम में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स होते हैं, मतलब जिसका इमेजिनरी पार्ट आपका इक्वल एंड अपोजिट होता है, ऐसे सिस्टम्स में रेजोनेंस की कंडीशन आती है। रेजोनेंस किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में तभी हो सकता है, तभी पॉसिबल है जब वहां पर एटलीस्ट एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर दोनों हो। ठीक, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, तभी रेजोनेंस की कंडीशन आ सकती है। रेजोनेंस की कंडीशन में इंडक्टर की जो मैग्नेटिक एनर्जी रहती है और कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी रहती है वो एक दूसरे से ट्रांसफॉर्म होती है, एक दूसरे में एक्सचेंज करते हैं एनर्जी को। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ये बताती है कि वो किस रेट से एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को और कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को किस रेट से एक्सचेंज कर रहे हैं। और ये जब एनर्जी एक्सचेंज होती है उस समय पे हमारे होते हैं ऑसिलेशंस। ठीक, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे जब वोल्टेज और करंट जो रहता है ये दोनों फेज में होता है, मतलब आपका जो सर्किट बन जाता है वो प्योरली रेजिस्टिव हो जाता है या यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करता है। रेजोनेंस कहाँ एप्लीकेशन होती है, रेजोनेंस की एप्लीकेशन होती है कम्युनिकेशन सिस्टम में, फिल्टर डिजाइन में एंड ट्यून सर्किट।